हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से साड़ी ड्रेपिंग। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे आज ना मैं आपको दुर्गा पूजा के लिए 5 तरीके की स्टाइल बताने वाली हूँ, जो बहुत इजी स्टाइल है और आप लोग डेली एक नया स्टाइल करके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द पार्ट जो साड़ी का है उसको मैंने सामने की तरफ अच्छे से टक कर लिया है और एक राउंड ले लिया है और कमर में अच्छे से साड़ी को टक कर लिया है। और अब हम साड़ी का जो पल्ला है उसको हम मेजर करेंगे, यानी उसका जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी का लेंथ जो है आपको मैं दिखा देती हूँ, फ्लोर टच लेंथ रखा है। और यहाँ पे फ्लोर टच लेंथ रखने के बाद ये जो पल्ला है ना, आप देख रहे हैं, सामने की तरफ से लिया है मैंने। और इसके बाद अब हम बनाएंगे सामने की तरफ साड़ी की प्लेट्स। तो यहाँ पे ना चौड़ी चौड़ी आपको प्लेट्स बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई है। और ये जो प्लेट्स है, यहाँ पे 2 से 3 प्लेट ही आती है, इससे ज़्यादा प्लेट्स नहीं आती है इस साड़ी स्टाइल में। जी हाँ, तो इस साड़ी स्टाइल में सिर्फ 2 से 3 प्लेट्स ही आएंगी, और चौड़े चौड़े आपको प्लेट्स रखने हैं इस तरीके से। और इसे अब मैं कर लूँगी सामने की तरफ अच्छे से टक। आप चाहे तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा के इसको भी फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पे पल्ला। तो यहाँ पल्ला मैं बनाऊंगी जितना साड़ी का जो बॉर्डर दिया गया है ना, जितना चौड़ा बॉर्डर दिया गया है उसी बॉर्डर के अकॉर्डिंग मैं इसका पल्ला बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक एक प्लेट्स अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दुर्गा पूजा के लिए आज एक नया, मतलब आपको स्टाइल बताने वाली हूँ। नया क्या है कि आज आपको मैं एक साथ 5 स्टाइल बताने वाली हूँ। तो एक ही मतलब साड़ी से आप 5 तरीके के स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं पहला स्टाइल आपको बता रही हूँ, सिंपल सा। जैसे कि आपने देखा, मैंने पल्ला जो है थोड़ा सा पीछे फ्लोर टच नहीं रखा है, थोड़ा सा ऊंचा रखा है। और यहाँ पे अब मैं शोल्डर पे एक सेफ्टी पिन लगा के इसे कर लूंगी फिक्स। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ अपनी एक मतलब पहला स्टाइल साड़ी का, जो वैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज मैं 5 तरीके का स्टाइल बताने जा रही हूँ। तो ये पहला स्टाइल है। तो यहाँ मेरा पल्ला बन चुका है, और अब यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम सामने की तरफ अच्छे से इसको सेट करेंगे। तो एक एक प्लेट्स को हम पकड़ लेंगे और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। चाहे तो एक सेफ्टी पिन लगा के यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वैसे एक सेफ्टी पिन लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल भी यहाँ से हिले नहीं। और यहाँ मेरी सामने की तरफ जो बॉर्डर आपको दिख रहा है साड़ी का, इस तरीके से सामने की तरफ आ जाएगा, बहुत ही सुंदर लुक लगता है। और ये जो हिस्सा है ना, अब जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ ये वाला, इस हिस्से को हम अब ले जाएंगे पीछे की तरफ, इस तरीके से घुमा के और पीछे एकदम टाइट करके घुमा के ले जाएंगे, और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा के इसे कर देंगे फिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये पहला स्टाइल था, और ये स्टाइल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से साड़ी ड्रेप करनी है। और ये बन चुका है पहला स्टाइल जो आप दुर्गा पूजा में करके जा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे बेल्ट भी लगा सकते हैं कमर में। तो ये बन चुका है पहला स्टाइल, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दूसरा स्टाइल क्या कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है दूसरा स्टाइल करने के लिए, यहाँ पे जो पल्ला है हमारा, इसे हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे फ्लोर टच। तो यहाँ मैंने प्लेट्स को दोबारा खोल के मैंने यहाँ पे जो है पल्ले को फ्लोर टच दे दिया था। और इसके बाद अब मैं इस पल्ले को, इसका एक कोना पकड़ूंगी इस तरीके से, और हाँ इस तरीके से कोना पकड़ के अब मैं इसे अपने शोल्डर की तरफ ले आऊंगी सामने की तरफ से। ये देखिए, इस तरीके से सामने की तरफ ले आएंगे और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से इसे फिक्स कर देंगे। तो ये बन चुका है दूसरा स्टाइल। जी हाँ, तो ये दूसरा स्टाइल भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये स्टाइल। और ये स्टाइल बिल्कुल एकदम बंगाली लुक क्रिएट करता है। तो आप लोग ये दूसरा स्टाइल भी जरूर करके देखिएगा। इसके बाद अब मैं बनाऊंगी तीसरा स्टाइल। तो अब यहाँ पे देखिए, जो सामने की जो प्लेट्स जा रही है ना, बॉर्डर वाली प्लेट्स, यहाँ से हम एक दो प्लेट्स के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में लेके जाएंगे पल्ले के इस कोने को, और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा के इसे कर देंगे यहाँ पे फिक्स। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है ये तीसरा स्टाइल। जी हाँ, ये देखिए, दुर्गा पूजा जाने के लिए तीसरा स्टाइल भी बिल्कुल रेडी है हमारा। और ये तीसरा स्टाइल कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला तीसरा स्टाइल जो है। और ये स्टाइल भी बिल्कुल एकदम बंगाली लुक क्रिएट करता है।
अब मैं यहाँ पे आपको चौथा स्टाइल बता रही हूँ। चौथा स्टाइल बहुत ज्यादा इजी है। आपको बस करना है पल्ले का जो कोना है इस तरीके से आपको अपने हैंड पे एक राउंड लेना है और सेफ्टी पिन से इसको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे चौथा स्टाइल भी मेरा बन चुका था और अब मैं बता रही हूँ आपको पांचवा स्टाइल। तो ये पांचवा स्टाइल करने के लिए क्या करना है, ये जो हिस्सा है ना आपको ये जो दिख रहा है इसे हम ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे हमें इस पल्ले के कोने को लेना है और हमें सामने की तरफ कमर में इसको टक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सामने की तरफ कमर में टक और ये बन चुका है हमारा पांचवा स्टाइल। तो कैसे लगा आपको ये दुर्गा पूजा में जाने के लिए ये पूरे के पूरे पांच तरीके के स्टाइल, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इन पांचों स्टाइल में से आपको कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा लगा है ये भी जरूर बताइएगा। तो क्या आप करके जाने वाले हैं दुर्गा पूजा में ये सारे स्टाइल? तो चलिए, आपको ये सारी वीडियो सारे स्टाइल कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप लोग को दुर्गा पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आप लोग भी दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए, मैं भी दुर्गा पूजा एंजॉय करती हूँ। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय।